Hey there guys, welcome back to Lead Coding. I'm your host Faraz and today I'm with my sister Maliha. Hi. So we both are student at Delhi Tech. Yaar saath mein bani nahi sakti video. Theek hai. Hey there everyone, welcome back to Lead Coding. I'm your host Faraz and today I'm with my sister Maliha. Hi. So we both are student at Delhi Technological University. I'm in fourth year of software engineering. And I'm from those who belong to a non-CSE branch but still a software engineer. So I'm in the third year of electrical engineering. So in this video, we are going to discuss some very good opportunities for full-time, for interns and for scholarships. ठीक है, तो हम एक-एक करके अब सारी opportunities के बारे में बात कर लेते हैं. So the first opportunity that we have is from Google. So it is for the 2021 graduates. You can apply through this form. अब ये जो सारे फॉर्म्स हैं इनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जिनके फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं. देर आर सम अपॉर्चुनिटीज जिनके अभी नहीं आउट हुए हैं, तो उसके हम आपको टेंटेटिव डेट्स बता देंगे. तो द फर्स्ट इज फ्रॉम गूगल. ये आपका फॉर्म है, यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं एंड द लोकेशन. अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप इस फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. या सो द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव इज फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज एट ट्विटर. तो इसमें काफी सारे रोल्स आपको मिल जाएंगे, मशीन लर्निंग के लिए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर, बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिलेंगी. एंड एलिजिबिलिटी है विद 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और ग्रेजुएटिंग अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएटिंग 2021. एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनगोइंग एंड ये हम जाते हैं लिंक पे. यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी इस पोजीशन के बारे में. तो ये रोल्स मैंने बताए थे आपको, ये सारे रोल्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. Alright, so let's move on to the next opportunity and it is from Amazon. तो ये आपकी Amazon से opportunity है, आप इस form के through apply कर सकते हैं, link will be in the description. And इसके लिए better ये रहेगा कि आप अपने एक senior को approach करें, एक Amazon, Twitter, sorry, I mean LinkedIn के through आप एक senior को approach करें, उससे आप referral मांगे for this position. And अगर वो आपको referral दे सकता है, it is well and good. अगर नहीं दे सकता, then you can directly apply. अब apply मत करना before getting the referrals because उसके बाद referral काम नहीं करता. ठीक है. After this, the next opportunity is from Morgan Stanley. Yeah, so we have C++ developer at Morgan Stanley. It is again a full-time opportunity and the application process is ongoing. ये आपको जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यहाँ पर. इसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे. जॉब का डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है. एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजिशन. ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ. तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अभी तक हमने डिस्कस करी हैं और जो करने जा रहे हैं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग फ्रीक्वेंटली अपनी ओपनिंग्स निकालते रहते हैं. तो आप लोगों का काम है अपनी तैयारी करके रखना. ठीक है, और आप अपनी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? सो यू कैन गो टू आवर चैनल. हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं. सो आई एम रेगुलरली अपलोडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम क्वेश्चंस. मैंने यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसको प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है. यहाँ पर ईजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट. And then questions are sorted according to the companies in which they are asked. And then there are some comparative programming topics as well, which I have explained. Then we have questions sorted according to the topic, such as dynamic programming, strings, greedy, stack, and a lot of interview experiences as well. जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस कंपनी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको कैसे उसके लिए तैयारी करनी है. तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग वीडियोज काफी फ्रीक्वेंटली अपलोड करते रहते हैं, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी. नेक्स्ट वी हैव विच वन? इंजीनियरिंग कैंपस. इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम एट गोल्डमैन. सो ये आपका, आई थिंक दिस इज फॉर बोथ इंटर्न्स एज वेल एज फुल टाइम्स. सो इट इज फॉर बोथ द इंटर्नशिप्स एज वेल एज फुल टाइम. एंड सिटी आपकी बैंगलोर रहेगी. डेडलाइन द फॉर्म इज गिवन, यू कैन गो थ्रू इट एंड रीड द एलिजिबिलिटी एंड देन अप्लाई टू दिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So the next opportunity is research intern at Microsoft. It is an internship opportunity and the process is ongoing. And here on the website you can see the eligibility criteria. You can apply. The qualifications, responsibilities, everything is mentioned here. If you are interested, you can apply for this role. Let's move to the next opportunity. And this is from Lenovo. So web developer intern at Lenovo. Okay. सो इसकी लोकेशन भी बैंगलोर है एंड इट इज एन ऑन साइट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. सो यू विल हैव टू बी प्रेजेंट एट बैंगलोर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, एंड सेम द फॉर्म विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज MLH फेलोशिप. इसके बारे में आपको मलिया अच्छे से बता पाएगी बिकॉज शी हैज ऑलरेडी कवर्ड दीज वीडियोज इन डिटेल. सो द MLH फेलोशिप इज बेसिकली एन इंटर्नशिप ओनली. इसमें आपको तीन कैटेगरीज मिल जाती हैं, एक्सप्लोरर,
एक्सटर्नशिप एंड ओपन सोर्स. तो ये 12 वीक्स का प्रोग्राम है. इसमें आपको यू विल बी पेड अप टू $5,000 विच इज अ वेरी गुड अमाउंट. एंड एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी है, यू शुड बी अबव 18 ईयर्स. बाकी सारी एलिजिबिलिटी आपको फॉर्म पे जाके मिल जाएंगी. तो अभी एप्लीकेशन प्रोसेस क्योंकि ऑन गोइंग है समर बैच के लिए, इसमें तीन बैचेस होते हैं टोटल, द फॉल बैच, द समर बैच एंड द स्प्रिंग बैच. अभी स्प्रिंग बैच की डेडलाइन निकल चुकी है, तो अभी यू कैन अप्लाई फॉर द समर बैच. एंड इसमें आप जब फॉर्म पे जाओगे तो यहाँ यू विल बी एबल टू सी ऑल द क्वालिफिकेशंस यू आर रिक्वायर्ड. ये मिनिमम आपकी होनी ही चाहिए, इसमें से एक भी आप मिस नहीं कर सकते. यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस अगर आप एक भी मिस करते हो तो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नाउ. द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज अ कोरा प्रोग्रामिंग चैलेंज. सो दिस ऑल्सो ऑन गोइंग. यू कैन रजिस्टर फॉर दिस चैलेंज. दिस विल बी इन टू डिविजन्स, डिविजन वन एंड डिविजन टू. And the prizes are really amazing. You can see the prizes here. The first prize is $2,000. Second prize is $1,000. Third place will get $500. And then for the fourth till 10th, and then the top 50 will get the Quora t-shirts. So for this also, the link will be provided in the description. Okay, check that out. Now let's talk about the next opportunity. It is Take Flight. So it is hashtag Take Flight, which is being organized by Twitter. इसमें जो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है, दैट इज यू मस्ट बी एबल टू स्टे फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट एंड स्टडी इन एनी ऑफ दिस कंट्री. तो ये आपकी मिनिमम है ही. एंड व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस, बिकॉज मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम दीज कंट्रीज, सो दे कैन हैव द बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. द पर्क्स आर ऑफ कोर्स यू विल गेट अ बेटर एक्सपीरियंस, यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद द employees, with engineers working at Twitter. आपका बहुत ज़्यादा communication skills वगैरह improve होता है हमेशा ऐसे किसी भी program में participate करने से. उसके अलावा seminars होंगे web development, जिसमें आपको बहुत सारी tips पता चलेंगी, workshops होंगी, technical workshops होंगी. तो ये सारे benefits हैं. And यहाँ पर आप जाकर further देख सकते हैं, इसमें और categories हैं. ये सारी categories, इनकी सारी eligibility criteria, सब कुछ, dates कब से कब तक हैं, ये सब कुछ इसमें mentioned है. You can refer to this link. We'll provide the link in the description. All right, so let's move on to the next one. It is Diversity, Equity and Inclusion Day on Google Open Source Live. So this is also an ongoing program. To this also you can register with a link which will be provided in the description. This program is also non-paid. You won't be paid for this, but you will get a lot of exposure. You will meet a lot of people and get to learn a lot from their experiences. Also, if you apply to any such opportunity by Google or maybe Twitter or Facebook, then the benefit is that if in future they are opening some opportunities, they will notify you. पहले भी मैंने काफी सारी opportunities में participate किया था, तो उसके बाद से अब तक मुझे जब भी कुछ event होता है उसमें वो मुझे हमेशा notify करते हैं, मुझे mail आ जाता है, notification आ जाता है. तो इससे आपका एक बहुत अच्छा advantage ये होता है कि आपका नाम उनके पास हमेशा रहता है, तो कोई भी opportunity आएगी वो आपको जरूर notify करेंगे. तो that is the best benefit you can have through any such program. All right, so let's move on to the next one. This is Google Developer Student Challenge. It is basically a hackathon jisme 17 sustainable development goals which are formed by United Nations. Unme se aap ek ya ek se zyada according to your time, according to your will, aap koi bhi goal utha sakte hain, and uske liye you will have to form a solution. And the solution which you are forming should use any Google technology. Aur isme aapko teams banani hai 3 to 4 people ki, aur uske baad mein aap 31 मार्च तक अपना सोल्यूशन, जो भी प्रपोजल है आपका सोल्यूशन का, वो आप सबमिट कर सकते हैं. यहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. इट इज Nutanix Heard Women in Technology Scholarship. सो द बैचेस एलिजिबल फॉर दिस आर 2021, 22, 23 एंड 24 फीमेल. सो दिस इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. एंड द स्कॉलरशिप अमाउंट इज अप टू $2,000 फॉर इंडियन फीमेल्स. द प्रोसेस इज ऑन गोइंग. आपको लिंक पे जाकर आप यहाँ पर बाकी सारी चीज़ देख सकते हैं, स्कॉलरशिप में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्कॉलरशिप की बाकी डिटेल्स. ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्कॉलरशिप अमाउंट है, वो देख सकते हैं. उसके बाद आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं. और इसमें पूरा टाइम लाइन आपको दिया हुआ है कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब इसके रिजल्ट आएंगे, सब कुछ इसमें डिपेंड है इस वेबसाइट पर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. इट इज लिफ्ट स्कॉलरशिप. So the perks are, those who are the winner of the scholarship will get a free Linux course. Obviously, Linux is very important tool for developers. So let me show you the application for this one as well. So this is the application. You can read about it. You can apply it from here. This is not an ongoing opportunity. For this, you can read the eligibility criteria. And if you are interested, you can keep an eye on this opportunity as well. And when it comes, you can apply to this.
So the next opportunity is Grace Hopper Celebration Student Scholarship. This is again for female candidates of 2022, 23 and 24 batches. The application process has not begun, but आप यहाँ पर जाके इसमें बाकी सारी details check कर सकते हैं. इसके लिए क्या क्या eligibility criteria है for the students or the faculty. जो लोग भी interested हैं, they can submit the interest form. एंड ये आपको नोटिफाई करवा देंगे जब भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी. एंड इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, तो उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. उसमें सारी डिटेल्स, एक्सपीरियंस से लेकर आपका टिप्स वगैरह सब कुछ उसमें कवर्ड है, वो हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे. आई थिंक मलिहा हैज आल्सो कवर्ड द वुमेन टेक्निकर्स एंड डी शो एसेंट फेलोशिप. यस, सो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट WTM. So Women Technical Scholarship is a scholarship for women, and this is for the 2023 and 2024 graduates. And the scholarship amount is $1,000 for the Indian student. I think the forms are not out yet, so you can also keep an eye on this. So the tentative dates are in February. February most probably iska form release ho jayega. You can keep an eye on it and apply according to the dates. The last opportunity is DE Shaw Ascent Fellowship. So we have already covered this opportunity as well, and we'll provide the link to the video in the description box. You can check that out. And iske liye eligibility hai 2023 batch ke female candidates. Scholarship amount is ₹10,000 for only 3 days. And humne abhi kafi sari aisi opportunities ki baat bhi kari jo na hi ek internship hai and na hi full time hai, but unka jo fayda hota hai wo aapke resume pe bhi hota hai indirectly. Right. If you have worked with a company such as Google, Twitter, maybe D-Shaw, then it and it's reflected in your resume, then your resume is most likely to be shortlisted in any other company to which you apply. Also, don't forget to subscribe to our channel if you want more such content in future. And I'm regularly uploading data structures and algorithm videos on weekends, and Maliha is also bringing a lot of interview experiences for you guys. So do subscribe to the channel and press the bell icon and like the video. Thanks a lot guys, this is it for the video. Thank you, bye bye.